मृत्युभोज की जगह विद्यालय में सुसज्जित भवन निर्माण की घोषणा कर पूर्व विधायक सुखराम कोली ने की एक नई परंपरा की शुरुआत। सर मथुरा बसड़ी के पूर्व विधायक सुखराम कोली के पिताजी शिवचरण लाल कोली का स्वर्गवास 20 जनवरी 2023 को हो गया, जिसकी त्रयोदशी 1 फरवरी 2023 को होना है। पूर्व विधायक ने भाजपा जिलाध्यक्ष श्री श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, प्रशांत सिंह परमार, उपखंड अधिकारी कुणाल, तहसीलदार मनोज भारद्वाज, विद्यालय के प्रिंसिपल और समस्त अध्यापक बंधुओं और समस्त ग्रामीणों की प्रेरणा से एवं परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श कर पिताजी का मृत्युभोज नहीं करने तथा पिताजी की स्मृति में गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वयं के खर्चे से एक सुसज्जित भवन निर्माण करने की घोषणा की, जिसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र ही आरंभ होगा। इस अवसर पर पूर्व सरपंच लक्ष्मी नारायण सिंह, सरपंच वेदना सिंह, एडवोकेट ब्रजराज सिंह, ओमपाल सिंह, रामबाबू सिंह, रामवीर सिंह, अशोक शर्मा, रामकिशन सिंह, विशंबर सिकरवार, प्रेम सिंह, राजकुमार सिंह, रविंद्र सिंह, राजू सिंह, राधेश्याम सिंह, कैलाशी सेठ, सुधीर सिंह, राजू शर्मा, शमसु खान, भूरा परमार, राजू अध्यापक, शिव किशोर सिंह एवं समस्त ग्रामीण जन एवं पूर्व विधायक सुखराम कोहली के परिवारजन उपस्थित रहे। 20 जनवरी 2023 को मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था और उनका अंतिम संस्कार 21 जनवरी 2023 को किया गया। यहाँ पर पूरे जिले से बहुत ही प्रबुद्ध जन और गणमान्य व्यक्ति इसमें पधारे थे और सभी की एक ही इच्छा थी कि जिस तरह से हमारे समाज में जो मृत्युभोज किया जाता है, मैं मृत्युभोज नहीं करूं, ऐसी सभी ने प्रेरणा दी थी, जिसमें हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद शर्मा, उपखंड अधिकारी श्री हमारे कुणाल जी, तहसीलदार मनोज भारद्वाज जी, हमारे गांव के सरपंच वैद्यनाथ जी, पूर्व सरपंच आदरणीय लक्ष्मीनारायण जी, एडवोकेट विजयराज सिंह जी, रामबाबू चाचा, इन सभी ने, हमारे जितने भी प्रबुद्ध और वृद्धजन थे, सब ने इकट्ठा होकर के एक ही चीज़ कही कि बेटा आप मृत्युभोज नहीं करें, क्योंकि जब हम ही लोग जो मृत्युभोज करेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या संदेश देंगे। तो मैंने सभी की प्रेरणा लेकर उनसे और सभी अपने परिवार के जो जितने भी हमारे सदस्य थे, मम्मी, हमारी माता जी, हमारे सभी चारों भाई बहन है, सभी ने इकट्ठा होकर के ये निर्णय लिया था कि हम इस जो मृत्युभोज की परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन नहीं करेंगे, अपितु तो जो हमारे गांव में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय है पिताजी की स्मृति में। आज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलेमपुर में समस्त ग्रामवासी, सलेमपुर के ग्रामवासी उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में विराजमान पूर्व विधायक सुखराम कोली जी, उनके पिताजी के स्वर्गवास के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक विद्यालय में कमरा उन्होंने अपना पूर्ण सुसज्जित तरीके से कमरा बनाने के लिए घोषणा की है। ये घोषणा उनकी सराहनीय है और ये एक अनुकरणीय उदाहरण है। ये अच्छा उदाहरण पेश किया है कि मृत्युभोज बंद करके और कमरा निर्माण की जो घोषणा की है, सभी समस्त ग्रामवासी और समस्त विद्यालय परिवार के सदस्य उनका हम हार्दिक रूप से हार्दिक स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही ये घोषणा भी करते हैं कि आगे से एक नई परंपरा इन्होंने जो डाली है वो बहुत ही अच्छी सराहनीय और विद्यालय विकास में बहुत अच्छा आगे भविष्य में काम आएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी वार साहब ने एक बात कही थी बीच में कि विद्यालय, यहाँ का विद्यालय, यहाँ के इसी विद्यालय के पढ़े हुए हमारे विधायक हैं और उस अभी तक ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया। मैं तो एक और आगे बात करूँगा, इनसे निवेदन भी करूँगा, आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दी और यहाँ बसड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको विधायक बनाया है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपके पिताजी की पुण्य तिथि पर हर साल एक यहाँ पर अपने विधायक कोटा से कमरा निर्माण की घोषणा करते रहे। 20 जनवरी 2023 को मेरे पिताजी का देहावसान हो गया था और इसमें पूरे जिले के बहुत ही प्रतिष्ठित लोग इसमें पधारे थे और साथ ही साथ हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं उन सभी ने समझाइश की कि जो मृत्युभोज है इस परंपरा को विराम कर लगना चाहिए, ये कुरीति के रूप में है। और सबकी सहमति से बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और सबकी सहमति से उन्होंने कहा कि पिता की स्मृति में एक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय जो हमारे गांव में संचालित है तो उसमें एक कमरा बनवाया जाए, तो उनकी आशीर्वाद का, उनके
वाणी का, उनके जो समझाइश थी उसका सम्मान करते हुए आज इन्हीं के चरणों में निवेदन किया है। और निवेदन हमारे HM साहब और पूरा स्टाफ, उन्होंने हमारे निवेदन को उन्होंने स्वीकार किया। तो इस विद्यालय में एक कमरा पिताजी की स्मृति में बनाने की हम सभी परिवार की तरफ से निवेदन किया, उसको विद्यालय परिवार ने स्वीकार कर लिया है। और ये बहुत अतिशीघ्र ही ये विद्यालय को हम बनवा करके परिवार पूरा सौंप देंगे।